गौतम गंभीर बीजेपी में हुए शामिल, नई दिल्ली से मिल सकता है टिकट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान के बाद अब गौतम गंभीर सियासी पारी खेलने उतर चुके हैं। गौतम गंभीर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। गंभीर शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नई दिल्ली सीट से गंभीर को अपना उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी में इस सीट को काफी अहम माना जाता है। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं पीएम मोदी विजन से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं इस देश के लिए काफी कुछ अच्छा करना चाहता हूं। मैं अपना बेहतर देने की कोशिश करूंगा। पिछले काफी समय से गंभीर के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर थी। गंभीर अब क्रिकेट की पिच के बाद राजनीति के मैदान में पारी खेलने उतर गए हैं। गौतम गंभीर क्रिकेट के अलावा अब राजनीतिक मुद्दों पर और जनता से जुड़े मुद्दों को भी सोशल मीडिया पर उठाते हैं। इसी के बाद उनके राजनीति में आने की चर्चा तेज हुई थी। हाल ही में दिल्ली के स्कूलों में मेंसुरेशन के दौरान बच्चियों के क्लास मिस करने के मामले में उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया था। गौतम गंभीर ने हाल ही में राजनीति में आने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहता हूं। फिलहाल मैं आईपीएल में कमेंट्री कर रहा हूं। नई दिल्ली सीट को लेकर कई दावेदार। नई दिल्ली सीट को बीजेपी में काफी अहम माना जाता है। इस सीट पर काफी पहले से बीजेपी का ही दबदबा रहा है, इसलिए अब 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कई बड़े मंत्री इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। दावेदारी ठोकने के लिए बीजेपी नेताओं के समर्थक पोस्टरों के जरिए बीजेपी आला कमान को मैसेज देने की कोशिश में जुटे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल हालात एक अनार 100 बीमार वाले हैं। चाहे बीजेपी के नेता नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए जद्दोजहद में जुटे हों, लेकिन अभी इस सीट पर मीनाक्षी लेखी और अब गौतम गंभीर का नाम सामने आ रहा है। हालांकि किसी भी नेता पर मोहर लगने का फैसला बीजेपी आला कमान को ही लेना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।